11 घंटे मैंने बिना हवा के काम किया और रंगोली बनाई, जिसमें सबसे बड़ी रंगोली कम टाइम में बनाने का रिकॉर्ड मुझे मिला है। भी मैंने स्टार्ट किया था, जैसे मेरे फ्रेंड लोग थे उन लोगों ने भी मुझे ऐसे बोला था कि लड़की है वाले काम कर रहा है तू। और आज जैसे आज जो मेरे हाथ में चीज है उनको जो आज बोलते थे और वही आज मेरे सामने आके ऐसे कि वाओ तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरा नाम गौतम सुतार है, मैं नवगर रोड भाईंदर ईस्ट में रहता हूँ और मैंने ये रंगोली 6 फुट बाई 5 फुट की बनाई थी और 11 घंटे में मैंने रेडी कर दी थी। और इसके लिए मुझे बहुत सारे टाइम लगी, बहुत सारी मेहनत लगी और 11 घंटे एक बिना पंखे के बिना किसी हवा के रहना बहुत मुश्किल होता है। और 11 घंटे मैंने बिना हवा के काम किया और रंगोली बनाई, जिसमें सबसे बड़ी रंगोली कम टाइम में बनाने का रिकॉर्ड मुझे मिला है। रंगोली बनाने का शौक हॉबी आपको कब से है? मैंने 3 साल पहले स्टार्ट किया था ड्राइंग और ये लॉकडाउन के पीरियड में मैंने रंगोली बनाना स्टार्ट किया था और जिससे मैंने सीखा था जू चंद्र के शैलेश पाटिल सर से और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, उन्होंने मुझे 15 दिन सिखाया और 15 दिन में मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उनसे सीख के ली और मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से थैंक यू बोलना चाहूँगा, उनकी वजह से ही मैं आज इधर हूँ। बहुत सारे युवा हताश हो जाते हैं, ये सोचने लगते हैं कि हम क्या करेंगे, तो एज ए यूथ आप सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आगे बढ़ाने वाले बहुत बढ़ाते हैं और जैसे आज मेरे साथ है विशाल भैया जो जिन्होंने बहुत आगे बढ़ाया मुझे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है और जैसे मैंने भी जहाँ जब भी मैंने स्टार्ट किया था जैसे मेरे फ्रेंड लोग थे उन लोगों ने भी मुझे ऐसे ही बोला था कि लड़की है वाले काम कर रहा है तू। और आज जैसे आज जो मेरे हाथ में चीज़ है उनको जो आज बोलते थे और वही आज मेरे सामने आके ऐसे कि वाओ तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। विशाल जी आपका इन्होंने नाम लिया है कि आपने इनको बहुत सपोर्ट किया, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे लिए तो अभिमान की बात है कि मेरा एक युवा कार्यकर्ता इतना अच्छा देश के लिए काम कर रहा है और एक आगे बढ़ रहा है, ये मेरे लिए बहुत अभिमान की बात है। तो दोस्तों ये थे गौतम सुतार जी जिन्होंने मीरा भाईंदर का नाम रोशन किया है। सबसे बड़ी रंगोली बनाने के लिए इन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के जरिए सर्टिफिकेट भी दिया गया है, गोल्ड मेडल भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मैं हमारे व्यूअर की तरफ से और पूरे मीरा भाईंदर की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ, आपके फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, आप सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत। थैंक यू।